मैं अवंतिका आप सबका स्वागत करती हूं अपने चैनल अवंतिका गार्डनिंग टिप्स पे। आज की वीडियो में हम बताएंगे बैंगन के पौधे के बारे में। ये हमारे बैंगन के कुछ पौधे हैं, एक ग्रो बैग में हमने दो दो पौधे लगा रखे हैं। ये हमारे पास पैकेट रखे हुए थे तो हमने उसमें बैंगन लगाए हुए। आज हम बताएंगे इसकी कैसे क्या केयर करें सर्दियों में, ये इसमें कौन कौन सी खाद दें जिससे इसके फलों का साइज़ अच्छा रहे। तो देखिए ये हमारे दो पौधे हैं और इसमें फ्लावरिंग हो रही है। ये देखिए हर कली में गुच्छों में फ्लावर बने हैं। ये देखिए गुच्छों में फ्लावर बने हुए हैं। बहुत से फ्लावर हमारे झड़ गए हैं, उनमें कुछ दिक्कत आई है, मैं बताऊंगी। ये देखिए ये फ्लावर खिला है, अभी हमारे में एको बार फ्लावरिंग नहीं हुई है, फ्लावर ही फ्लावर आ रहे हैं। तो हमने इसमें कौन सी खाद दी है? हमने कुछ ज़्यादा खाद नहीं दी है। मिट्टी जब बना रहे थे तो हमारी मिट्टी गार्डन सॉइल थी उसमें, और कुछ हिस्सा काऊ कंपोस्ट थी और पत्तियों की खाद थी जो कि हमने घर पे ही तैयार किया था। उन्हीं को मिक्स करके इन पैकेट्स में इनको हमने ग्रो किया है। हुआ ये फ्रेंड कि हमारे यहाँ इस टाइम फ्लावरिंग कम है अन्य पौधों में, तो इससे चिड़िया और तितलियाँ पॉलिनेट नहीं कर पा रही हैं, तो इस वजह से इसके फ्लावर्स झड़ रहे थे। तो हमने इसमें पॉलिनेट किया है। जो हमारे पास फ्लावर है उनके इन परागों से देखिए, ये हमारे पास एक समीका है, एक परजुलिका का फ्लावर्स है। इनका जो येलो पार्ट है, ये जो येलो पार्ट है ये पराग होता है। इन मधुमक्खियाँ चिड़ियाँ आती हैं तो इनका पॉलिनेशन जो ये पराग का येलो पार्ट होता है उनको ले जाके फूलों पे बैठ के एक दूसरे से आपस में मैच करती हैं। तो हम करते ये हैं कि ये फ्लावर्स ना झड़े हमारा, तो हम इनका ये पराग लेके इन पे ऐसे ऐसे रगड़ देते हैं। ये जो ऊपर के इनके जो नए फ्लावर्स निकल रहे हैं उनका पराग को आपस में मिला देते हैं, तो इससे हमारे पौधों में फ्लावर्स में पॉलिनेशन हो जाता है। तो इसका अच्छे से जब ये हो जाएगा तो ये हमारा इसके झड़ने के चांसेस कम होते हैं। हमने इनमें किया था तो देखिए इसका हमारा केवल फ्लावर्स ही गिरा है। ये देखिए ये है, इसका हमारा फ्लावर ही गिरा है और इसके नीचे एक फल कन्वर्ट हो रहा है। तो ये थी हमारे पॉलिनेशन की बात। तब हम इसमें खाद देते हैं। अब हम इसमें खाद देते हैं, हमारे पास सरसों की खली जो होती है उसको हमने पानी में डाइल्यूट किया था हमने इस मटके में। ये देखिए मस्टर्ड एक लिक्विड फर्टिलाइज़र, ये हमारा फुल्ली डीकम्पोस्ट हो चुका है, कई दिनों से रखा हुआ है, एक सप्ताह के आसपास हो गया होगा। इसको हम करेंगे क्या, एक जग पानी में, पानी एक से डेढ़ लीटर पानी में हम इसके 25 से 20 ml के आसपास मिला करके, ये हमारा एक जग पानी है, इसमें एक लीटर के आसपास हमारा पानी होगा, इसमें हम 25 ml इसको मिक्स कर देंगे। हम ऐसे देंगे कि जो हमारा ये फर्टिलाइजर है इसकी लेयर ना बने मिट्टी पे। लेयर बनने से इसमें कीटाणु पनपते हैं जो हमारे पौधों पे चढ़ के हमारे पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं। हम इसको ऐसे ही डायरेक्टली मिट्टी में ऐसे दे देंगे। कोशिश करिए आप जब खाद लिक्विड फर्टिलाइज़र दें तो पहले मिट्टी की गुड़ाई कर लीजिए अच्छे से, ऊपर की एक दो इंच की मिट्टी को हटा दीजिए, उसके बाद दें तो ये डायरेक्टली जड़ों पे तुरंत ही काम करने लगता है। वैसे ये बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। हमने इसमें खाद दे दिया है, अब इसको ऐसे ही रखा रहने देंगे, देखते हैं कि इसमें क्या रिजल्ट आता है। ओके फ्रेंड बाय। हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।